First Choice Kids Wear रमजान स्पेशल ऑफर अप टू 40% डिस्काउंट के साथ एक लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान, शरारा पम्पलम, गाउन, बॉयज फुल सूट, वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस, प्रीमियम क्वालिटी, सबसे सस्ता और अच्छा। रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। वरना हम यही मर जाएंगे, पर हम जाएंगे नहीं किसी। आज क्या 3 साल से हम दोनों का रिलेशन है, दोनों परिवार जानता है। तलाक लेकर आएंगे तो हम शादी करा देंगे। हाँ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। इसी प्यार में पागल एक औरत ने अपने प्रेमी के घर के सामने अपने 2 साल के बच्चे के साथ धरने पर बैठ गई। इस औरत का कहना है कि जब तक प्रेमी उसे अपनाएगा नहीं, तब तक वो धरने पर बैठी रहेगी, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। मामला यूपी के जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के केवटली बाजार का बताया जा रहा है। दरअसल गाँव के ही रहने वाले कमरुल वारिस नाम के युवक से इस औरत को प्यार हो गया। इस औरत का नाम जमीरू खातून बताया जा रहा है। ये पहले से ही शादीशुदा है और इसके 4 बच्चे भी हैं। इसका पति मुंबई में रहकर मजदूरी का काम करता है। कमरुल वारिस इसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। इसी दौरान कमरुल खातून की आंखें 2-4 हो गई। धरने पर बैठी जमीरुल ने बताया कि इनके बीच प्यार का संबंध करीब 3 साल से चल रहा था और प्रेमी कमरुल के पिता ने कहा था कि पहले शौहर से तलाक ले लो, फिर उसके बाद शादी करा देंगे। मगर अब ये औरत प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठी है और प्रेमी का घर बंद है। पहले परिवार के लोग शादी करने को राजी थे, मगर अब शादी से इनकार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रेमी के घर के चौखट पर ही 2 साल के बच्चे के साथ ये प्रेमिका धरने पर बैठी हुई है और प्रेमी कमरुल घर से फरार है। घर का दरवाजा भी परिवार वालों ने बंद रखा है और घर के चौखट पर प्रेमिका धरने पर। तो आप यहाँ बैठ के कब तक बैठी रहेंगी यहाँ? जब तक वो नहीं आएंगे, उनका बाप भुलाए भगाया है, उनका बाप नहीं रलाएंगे, वरना हम यही मर जाएंगे, पर हम जाएंगे नहीं किसी। अरे तो खाना पीना नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे, मर जाएंगे ना। अगर इनके घर से खाना मिलेगा तो खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे। आज 3 साल से हम दोनों का रिलेशन है, दोनों परिवार जानता है। अच्छा, 3 साल से आपका उनका रिलेशन है? हाँ। तो 3 साल से आपका उनका संबंध है। आपका घर तो यहाँ केवटली महाराजगंज है ना? हाँ, मेरा ससुराल है यहाँ, पहले जी, वाला जी, जी। पहले वाला ससुराल आपका? हाँ। तो 3 साल वो लोग दोनों को समझा के तंग आ चुका है और ये एक बात बोला है, हर जगह हमारे नैहर से लेके महाराजगंज तक हम आपको रखेंगे, हर हाल में रखेंगे। आज पुलिस के डर के मारे उनका बाप उनको हटा दिया है। हटा के आके ऊपर से हमको बोल रहे हैं, तुम मेरे बेटों को मार दिए, भगा दिए, बताओ मैं जिनके साथ भागी उनको मैं मारवा के फेंक दूंगी। तो आप इनके बेटे के साथ 3-4 दिन तक थी लगातार? हाँ, उनके बड़ी वाली बेटी के यहाँ थी हम। हाँ, ये दोनों लोग थे। हाँ, और 3 साल से आपका संबंध है? हाँ, 3 साल से लुकी छुपी सारे संबंध है, सब कोई जानता है। हम लोग जाके उनके बेटी के यहाँ थे। उनकी बेटी के यहाँ कितने दिन थे? 3 दिन। 3 दिन बेटी के यहाँ दोनों लोग थे? हाँ, एक ही साथ। अच्छा, फिर वहाँ से इनकर पाप सबको लेके सुलह करवाए थे। क्या सुलह करवाए? बोले थे कि ये इनके शादी करा देंगे, तलाक लेकर आएंगे तो हम शादी करा देंगे। हाँ। उसके बाद फिर उनके बेटे के यहाँ लेके जाके पहुँचाया दामाद को बुला के। अपनी बेटी के यहाँ कई दिन रखे थे फिर? 2 दिन, एक दिन हुआ थे, फिर नेक्स्ट कल के रात, मतलब जो बीता है वो रात नहीं, उसके पहले रात को वहाँ से भगा दिए कि अब वहाँ मत रहो, खतरा है, सब लोग तुम पुलिस वुलिस ढूंढ रहे हैं, मारेंगे पीटेंगे। तो हमको बोला है कि तुम जाओ थाना में। अभी भी शादी के लिए तैयार है लड़का? हाँ, लड़का हर हाल में तैयार है, अभी भी तैयार है। कल पुलिस आने के बाद पुलिस के सामने भी कबूल किया है, तुम तलाक ले लो, अबू कहा है निकाह करा देंगे। पुलिस के सामने बात हुई थी? हाँ, उसके बाद डर के मारे वो फोन बंद कर दिया। अभी फोन उनका स्विच ऑफ है? हाँ। हमको तलाक दे देंगे तो हम इनके साथ रहेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे? यहीं इसी घर में रहेंगे। हाँ, घर में रखे या ना रखे, हम उनके साथ रहेंगे, जो हमको लेके आए। अच्छा, उनके साथ आ रहे हैं। हाँ।